टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे, माय बर्थडे, एंड एक स्पेशल गिफ्ट से शुरुआत करते हैं। अगर आपको दिख रहा है तो दिस इज अ वेरी स्पेशल नोट। This is my friend in Qatar, but for me, when he came down to India, तो ये एक special note है, which Qatar World Cup के time पे उन्होंने निकाला था। तो बहुत limited edition है, E22 रियाल्स यहाँ पे लिखा है। ये World Cup का trophy है और ये Qatar World Cup का logo है, one of the stadium, और इसके पीछे यहाँ पर भी one of the stadium और logo the World Cup, interesting, बहुत ही बढ़िया से गिफ्ट। Thank you for this, Mr. Saibu and Saiju. बहुत सारा इंस्टाग्राम रील्स, बहुत सारा इंस्टाग्राम स्टोरीज में कंटिन्यूस हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि बहुत सारे इंस्टाग्राम रील्स स्टोरीज इसमें दिखने आया था कि मुंबई अर्बन आर्ट फेस्टिवल के बारे में। तो वैसे मुझे पता चला मुंबई अर्बन आर्ट फेस्टिवल हो रहा है, दिसंबर में चालू हुआ था और अभी फेब में ख़त्म होगा। तो आपके पास अभी भी टाइम है, आप अभी भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। ये सब लोगों को इसमें मज़ा नहीं आने वाला है, बट हाँ, डेफिनेटली जिसको आर्ट पसंद है जैसे कि मैं, डेफिनेटली अच्छा लगेगा। और जैसे कि मेरी बीवी है, इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। नहीं, तू समझा नहीं। मुझे एक कैमरामैन और मेरे साथ एक असिस्टेंट चाहिए था, तो इसके लिए शी इज देयर, शी इज ऑलवेज देयर। आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? चलती गाड़ी में उतरने का मज़ा ही कुछ अलग है। और हम पहुंच गए हैं मुंबई CST। आते ही बराबर प्लास्टिक से बनाया हुआ, तो टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट प्लास्टिक बॉटल्स, मुंबई प्लास्टिक रिसाइक्लर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जब मैं यहाँ पे आता हूँ कि यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ देखने मिलता है, बहुत कुछ कंटेंट आपके लिए होता है जो आप शूट कर सकते हैं। तो मैंने देखा है कि जब भी CST आता हूँ तो कभी निराश होकर जाना नहीं पड़ता, क्योंकि कंटेंट भर भर के यहाँ पर मिलता है। इट्स अ गुड थिंग एंड इट्स ब्राइट सनी डे टुडे। ये पहुंच गए जी मुंबई अर्बन आर्ट फेस्टिवल। बहुत ज़्यादा भीड़ है आज के दिन पे, सैटरडे है, इसके लिए ससून लॉ एस्टैब्लिश्ड इन 1871। अंदर घुसते ही एक अच्छा फिश का स्मेल। तो मैं डिस्क्लेमर के तौर पे ये बताना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पर आ रहे हैं वो ये प्लीज़ ध्यान में रखना कि यहाँ पर फिश का स्मेल बहुत ही एविडेंट प्रोमिनेंट है। तो जिसको एलर्जी है या जिसको फिश का स्मेल जमता नहीं है, तो वो यहाँ पे केयरफुली आना, मास्क वास्क लेके आना। तो बहुत लंबा लाइन है, तो रुकना पड़ेगा थोड़ा टाइम के लिए। ये पता ही था, बट क्या करें, सही है। ये हो गए जी एंटर हम, बहुत सारे लोग ऊपर गए।
मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि मुझे आज पता चला कि मुंबई में इतनी जगह है। मुंबई में जगह की कमी है और पब्लिक इधर दस। एक चीज़ जो मुझे समझ में आई है वो है कि ये डॉकयार्ड धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, बिकॉज बिल्डिंग्स और न्यू एज सोसाइटीज़ और सिविलाइजेशन बढ़ने के कारण जो डॉकयार्ड का कॉन्सेप्ट है, जो यहाँ के मछुआरे हैं फिशरमैन, उनका जो लाइफस्टाइल है और उनका जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। एंड सून इट्स टेकिंग ओवर, ये मेरे को समझ में आया। बस बाकी तो आया, अपना घर भी इतना ही छोटा छोटा है। तो ये देखो भाई कितनी बड़ी लाइन है। एक्चुअली मैं वही सोच रहा था कि ऐसे ब्लॉगिंग करने के लिए कैमरा सब कुछ लोग अलाउ कर रहे हैं अंदर, तो मेरा कन्फ्यूजन यही था कि हर जगह रोकते हैं बट यहाँ पर ये लोग क्यों अलाउ कर रहे हैं। तो मुझे तभी पता चला कि कुछ है नहीं, कुछ समझेगा ही नहीं तो क्या तुम वीडियो निकालोगे, क्या बताओगे। तो इसके लिए लोग अंदर कैमरा जो भी है, आप कितना भी बड़ा कैमरा लाओ, कितना भी बड़ा कुछ भी लाओ, आपको अलाउड है अंदर। समझेगा ही नहीं भाई क्या है। और एक बात, ये लाइन बहुत है, लंबा है, तो मतलब आप इस तरह का पेशेंस आपके पास है तो ही आप आओ, क्योंकि नहीं तो क्या आधा आधा घंटा लाइन में रुकना पड़ रहा है। वो बोल रहे थे कि इसके अंदर से कुछ आवाज़ आ रहा है, तो लोग इधर रुके हैं आवाज़ सुनने के लिए, कुछ प्री रिकॉर्डेड है वो। ससुन डॉग पूरी तरह हमने छान मार लिया, और मैं बताना चाहूंगा आपको कि कुछ नहीं है यार, जो कपल्स है वो लोग तो आना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी जगह है। फोटोशॉप फोटो ऑप के लिए बहुत अच्छा एक जगह है, बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टाग्राम फोटोज आ जाएंगे। बाकी रेस्ट जो अपना दिमाग लगाना चाहे तो भी कुछ नहीं समझेगा, बिकॉज इतनी गहराई में इसको बनाया गया है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इज अ वार्निंग। पूरा सारांश आपको देना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत अजीब की चीज़ें हैं जो आपको नॉर्मल लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि एक बंदा अगर वहाँ होता तो बहुत अच्छा होता कि वो समझा सके कि क्या। एक लेडी थी वहाँ पे बट बहुत ज़्यादा क्राउड के वजह से इतना ज़्यादा इंट्रैक्शन हो नहीं पाया। इसके लिए स्पेसिफिकली टाइम निकाल के आके कुछ करना, आई डोंट थिंक सो, उतना वर्थ है। बट अदरवाइज़ जिसको फ़ोटो का बहुत शौक है और अच्छे अच्छे फ़ोटोज लेना है तो वो आराम से यहाँ पे हो जाए। वी एंजॉय द डे, अपन अपने में तो खुश थे तो मज़ा आ गया। तो लेट्स क्लोज दिस वीडियो हियर, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो कीप वॉचिंग और बहुत कुछ कंटेंट के लिए। बट आज का दिन अच्छा गया, मज़ा आया, चलो बाय।